अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं सब? उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे। और मैं भी सुबह उठी थी तो सोच रही हूँ नाश्ता बनाऊँ, तो नाश्ते में मैं बनाने लगी हूँ आज आलू गोभी का पराठा, तो वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो चलिए अब मैं किचन में चलती हूँ, तो आप भी मेरे साथ देखें। मैं आलू गोभी का पराठा बनाने लगी और वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करने लगी। तो चलिए फिर चलते हैं किचन में। तो ये मैंने आलू गोभी का जो सालन है वो मैंने इधर प्लेट में रख लिया और इसमें थोड़ी नमक मिर्च ऐड की है, क्योंकि सालन जब पराठे में डालो ना तो फिर कम हो जाती है, तो इसमें मैं नमक मिर्च ऐड की है। तो अभी इसमें जो है वो मैं एक लेमन भी ऐड करूँगी, आप भी ज़रूर ट्राई करिएगा, बहुत अच्छा टेस्ट आता है। और मुझे तो वैसे ही गोभी के पराठे जो है तो बहुत पसंद है, बहुत ही ज़्यादा पसंद है। तो इसमें लेमन ऐड करके तो इसका अच्छा सा पेस्ट बना देंगे। अच्छी तरीके से इसका पेस्ट बना लें, इस नमक मिर्च जो है वो मिक्स कर लें। तो यहाँ पर हमने दो छोटी छोटी रोटियाँ जो है ना वो पेड़े बना लिए, अब इन दोनों को बेलेंगे। इन दोनों को बेल के तो फिर इसमें हम ना गोभी ऐड करेंगे। अब मैंने दो छोटी छोटी रोटियाँ मैंने बना ली हैं, तो अब इसके ऊपर थोड़ा सा ऑयल लगाएंगे, इतनी ज़्यादा टेस्टी बनती है इस तरह। और वो कुछ लोग छोटा सा पेड़ा बना के उसमें गोभी ऐड करते हैं, उसका बिल्कुल मज़ा नहीं आता, नहीं तो वो गोभी दरमियान में रह जाती है और एंड तक नहीं जाती, किनारों तक नहीं जाती। लेकिन इस तरह अगर आप ट्राई करेंगे तो देखना आपको बहुत ही टेस्टी लगेगा, क्योंकि यहाँ पे ना एंड तक जाती है इस तरह, इस तरीके के साथ बिल्कुल गोभी जो है ना पूरे पराठे में जाएगी, किनारों तक जो है ना वो ऐसे फैलाना है। मेरे फेवरेट हैं गोभी के, आलू गोभी के पराठे, इसलिए मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। आप लोग ज़रूर ट्राई करिएगा ये वाला तरीका, तो देखिए बहुत मज़ा आएगा और ज़्यादा काम भी नहीं, बहुत ही ज़्यादा इजी है। और अब हम इसके ऊपर ये रोटी लग रख देंगे और इसके किनारों को अच्छी तरह से वो बंद कर देंगे। ताकि गोभी जो है वो बेलते टाइम बाहर की तरफ निकले नहीं। और पता है इसमें एक और बात है, इसमें ना हवा चली जाती है, तो जब बेलते हैं ना तब रोटी बिल्कुल अच्छी नहीं बनती, इसलिए आप पूरे हाथ को ऐसे ऊपर करें, वो सारी हवा निकल जाएगी, तो फिर रोटी जब बेलेंगे तो वो फटेगी भी नहीं और ख़राब भी नहीं होगी, बिल्कुल बहुत प्यारी बनेगी। तो ये एक पराठा जो है वो मैंने डाल दिया तवे पे, तो अभी इसको मैं आपके सामने बनाऊंगी, आप देखिएगा कितना अच्छा बनता है। तो अभी इसकी साइज जो है वो चेंज करेंगे, लेकिन चेंज करने से पहले जो है वो आप थोड़ा सा ऑयल ज़रूर लगाइएगा, नान लगाएंगे उसकी। इधर भी ऑयल लगाए हैं, तो इधर मैंने ऑयल लगा दिया,
बेसिक सारी चेंज कर लें। तो आलू गोभी के पराठे के साथ मैं चाय बना रही हूँ। तो चाय जो मेरी वो बन चुकी है तकरीबन। और वैसे भी आलू गोभी के पराठे के साथ चाय ना तो मज़ा ही नहीं आता। तो मुझे आप कमेंट करके बताएं किस किस को आलू गोभी के पराठे के साथ चाय भी पसंद है। तो ये है जी मेरी फाइनल लुक आलू गोभी पराठे की और ये चाय। और रेसिपी बहुत इजी है, बहुत ही सिंपल है, आप ट्राई करिएगा और मुझे मेरे साथ ज़रूर शेयर करिएगा। कमेंट करके मुझे बताइएगा आपको कैसी लगी। तो गर्मा गर्म पराठे हैं तैयार, किस किस ने खाने आ जाए। तो मैंने आज आपके साथ ये शेयर किया आलू गोभी के पराठे। तो प्लीज़ जिसको पसंद है वो इसको ज़रूर ट्राई करिएगा और मुझे कमेंट करके बताइए और मेरे चैनल सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। तो ठीक है, फिर अब मैं लेती हूँ इजाज़त। ओके, अल्लाह हाफिज़।